वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिलोडर्म मिक्सी क्रीम के बारे में। सिलोडर्म मिक्सी क्रीम की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि इसके यूज़, बेनिफिट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, दांत खाज खुजली, कील मुहासे जैसी कोई भी समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिलोडर्म मिक्सी क्रीम एक कॉम्बिनेशन मेडिसन है, जिसमें कॉम्बिनेशन है बिकेलो मेथासोन 0.025%, न्योमाइसिन 0.5%, क्लोट्रमाजोल 1% होता है और इस क्रीम को USB लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इस क्रीम के उपयोग के बारे में। इस क्रीम का उपयोग मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है और यह लालिमा, सूजन और खुजली जैसे लक्षणों को कम करने में काफ़ी मदद करता है, जैसे कि दांत खाज खुजली, एक्जमा, सोरायसिस, स्किन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, कील मुहासे और स्किन पर होने वाले विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए इस क्रीम का यूज किया जाता है। अगर आपको दांत खाज खुजली, स्किन इन्फेक्शन जैसी कोई भी समस्या है तो आप इस क्रीम का यूज कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं इस क्रीम के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस क्रीम के कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट नज़र आ सकते हैं, जैसे कि आपने इस क्रीम को जिस जगह पर यूज किया है उस जगह का लाल होना, उस जगह पर पपड़ी जमना, उस जगह पर जलन होना, कुछ नॉर्मल समस्याएं नज़र आ सकती हैं। वैसे ये नॉर्मल समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। अगर ये समस्याएं ठीक ना हो तो इसे यूज करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। आइए आप जान लेते हैं इस क्रीम को यूज करने के तरीके के बारे में। इस क्रीम का यूज वैसे आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें और इस क्रीम का यूज आपको जिस जगह पर करना है उस जगह को अच्छी तरह साफ कर लें और सुखा लें, उसके बाद इस क्रीम का यूज करें। आइए आप जान लेते हैं इस क्रीम की MRP के बारे में। इस क्रीम की MRP है 10 ग्राम क्रीम आपको 86 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको सिलोडर्म मिक्सी क्रीम की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। मेडिसिन नॉलेज से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।